हिमाचल प्रदेश के मंडी में कई दिन के कयास के बाद अब साफ हो गया है कि यहां चुनाव फिल्मों की क्वीन वर्सेस सियासत के किंग के बीच होने जा रहा है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट महीने भर से सुर्खियों में है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को जब से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है वो खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अब कांग्रेस ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बना दिया, तो यहाँ बेहद रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। हमारे इस खास शो में करते हैं किंग बनाम क्वीन मुकाबले की पड़ताल। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत चुनाव प्रचार में काफी आगे चल रही हैं। कंगना को चुनावी रण का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को लेकर उस समय से तीखे बयान देने शुरू कर दिए जब विक्रमादित्य को उम्मीदवार भी नहीं बनाया गया था। विक्रमादित्य सिंह और बॉलीवुड फिल्म क्वीन की अभिनेत्री कंगना के बीच तीखी बहस छिड़ चुकी है। जहां एक ओर विक्रमादित्य सिंह ने रनौत को विवादों की रानी कहा, तो कंगना उनका नाम लिए बगैर उन्हें छोटा पप्पू कह रही हैं। द्वितीय नवरात्रि पे आपको पता है पूरा देश जो है वो देवी की पूजा में लीन है। माता का अनुष्ठान हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उनके पैर धोए जा रहे हैं, उनको शालुएं दिए जा रहे हैं, टीकू दिए जा रहे हैं, बिंदिया लगाई जा रही है, प्रसाद और दक्षिणा दी जा रही है। इस तरह से हर जगह नारी शक्ति की जो है पूजा हो रही है, वंदन हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। कंगना राजनीति में नई नई आई है, हालांकि उन्होंने बॉलीवुड की क्वीन समेत कई मूवीज से खूब सुर्खियां बटोरी, जबकि विक्रमादित्य सिंह राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। शिमला ग्रामीण से दो बार विधायक रहे विक्रमादित्य सिंह इस समय हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में मंत्री हैं। मंडी की चुनावी महाभारत सिर्फ कंगना वर्सेस विक्रमादित्य नहीं है। कंगना को जीत दिलाने के लिए बीजेपी का शिमला से लेकर दिल्ली तक पूरा महकमा लगा हुआ है, तो हिमाचल कांग्रेस ने भी इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वैसे भी मंडी को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का गढ़ माना जाता है। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी से वर्तमान सांसद हैं। कंगना के लिए लड़ाई कठिन है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की वजह से जनता उन्हें जरूर मौका देगी। चुनावी सभाओं में कंगना पीएम मोदी को भगवान राम का अंश बता रही हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। उनमें वही त्याग, उनमें वही परिश्रम, वही करुणा, वही क्षमा, वही जो भाव है वो देखने को मिलते हैं। साक्षात वो राम के चरित्र का अंश है। अगर आप सब राम की सेना है, उसमें मैं भी राम सेतु की एक गिलहरी हूँ। हम लोग उनके भारत की विकास की योजना के लिए और उनका जो मकसद है और उनकी जो योजना है, हम उसके लिए लड़ेंगे। अवश्य ही जो जीत होगी वो मेरी नहीं होगी, वो जीत आप लोगों की जीत होगी, वो जीत मोदी जी की जीत होगी। ऐतिहासिक रूप से मंडी लोकसभा क्षेत्र ने 1952 के बाद से दो उपचुनावों सहित 19 में से 13 चुनावों में पूर्व रियासतों के वंशजों को चुना है। विक्रमादित्य सिंह के पिता और माँ दोनों ने तीन तीन बार ये सीट जीती है। मंडी लोकसभा सीट पर 2021 के उपचुनाव में विक्रमादित्य सिंह ने अपनी मां के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। कंगना जहां बेहद आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, वो फिर कह रही हैं
कि भारत को असली आजादी 2014 के बाद मिली है, तो विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की तरफ से किए गए काम गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं, अगर असली आजादी 2014 के बाद मिली तो कम से कम कंगना वाजपेयी जी के कार्यकाल को भी याद कर लें। दोस्तों, ये सही बात है कि 2014 में एक जो चेतना की चिंगारी समस्त विश्व में और ज्यादा करके जो भारत में आई, सनातन की जो चिंगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है, धर्म की अधर्म की लड़ाई की जो चिंगारी है, वो चिंगारी जो है वो हमारी चेतना में नरेंद्र मोदी ने जगाई है और आज ये चिंगारी जो है एक आग बन चुकी है। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पर गलने वाली नहीं है। जितने बड़े वो हिंदू है, उससे बड़े हिंदू हम हैं। हालत तो यहाँ तक हो गई है कि जब विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान में कहा कि वो भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि वो कंगना रनौत को सद्बुद्धि दें, तो इस बात पर भी कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोला। कंगना ने कहा, ये तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं है कि तुम मुझे डरा धमका के वापस भेज दोगे। दरअसल कंगना मंडी की लड़ाई को राजा बनाम प्रजा के तौर पर बनाना चाहती है। कंगना हर चुनावी सभा में कहती है कि वो किसी राज परिवार से नहीं है, वो एक साधारण राजपूत परिवार से हैं और उन्होंने अपने पिता और माँ की मदद के बिना फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाया है, जबकि विक्रमादित्य सिंह ने अपने माता पिता की मदद से अपना सियासी करियर बनाया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। इन 17 चुनावों में 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी ने 5 बार जीत दर्ज की है। विक्रमादित्य सिंह की एंट्री के बाद बीजेपी की थोड़ी टेंशन जरूर बढ़ गई है। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद विक्रमादित्य सिंह चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी। कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान करने में भी देरी की, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। कहा जाता है कि प्रतिभा सिंह खुद सीएम बनना चाहती थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया था और इस वजह से हिमाचल कांग्रेस में 2 साल से अंदरूनी खींचतान चल रही है। 2022 में जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुआ तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। पूरे कैंपेन में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल किया गया। राज्य में ऐसी कोई होर्डिंग नहीं थी जिस पर वीरभद्र सिंह की तस्वीर नहीं थी। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वीरभद्र सिंह का कद हमेशा बहुत बड़ा रहा है। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और 6 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस का मतलब कभी राजा वीरभद्र सिंह ही हुआ करते थे। इस परिवार का इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक सीधा संपर्क रहा है। दोनों परिवारों के पुराने रिश्तों की जड़ें बेहद मजबूत हैं। इसलिए विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह पहले तो मंडी सीट से चुनाव लड़ने को राजी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद उन्होंने अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह को मंडी से उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की नई सूची आई है तो हिमाचल प्रदेश के अलावा दिल्ली और पंजाब की कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली पर मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस ने छात्र नेता कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। इन सभी सीटों के अलावा हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इन सीटों पर जैसे तैसे चुनाव प्रचार गरमाएगा, सियासी तल्खी और बढ़ेगी। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। सियासी नुक्ता विद मुक्ता के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।